चलो आपने पीछे को आया भाई। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों ग्वालियर, चंबल, अचल के दौरे पर है। बुधवार को अपने ग्वालियर दौरे के दौरान जब वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे तो अचानक एक महिला पर भड़क गए और बदसलूकी करते नजर आए। अपने सुरक्षा कर्मियों को रोकने के बजाय वे खुद ही ये कहने से नहीं चुके कि यह महिला पागल हो चुकी है, इसे बाहर करो। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने गई कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ भी आए थे, उन्हीं में एक महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। जब वह पूर्व सीएम से मिलने पहुंची तो उसके सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला कार्यकर्ता को बीच में ही रोक लिया और उसे बाहर जाने के लिए कहने लगे। बात सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के बोलने पर ही खत्म नहीं हुई। उस दौरान पास ही खड़े दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के भिंड जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा से बातचीत कर रहे थे। इस तरह महिला कार्यकर्ता से हो रही बदसलूकी को रोकने के बजाय खुद दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आए कि बाहर करो, पागल हो गई है ये, बाहर करो इसे। हालांकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। इस महिला कार्यकर्ता का नाम डॉक्टर लीना शर्मा है जो गुना से आई थी। आपको बताते चले कि डॉक्टर लीना शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कार्यकर्ताओं को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से कोई नाराजगी नहीं है, वे उनसे मुलाकात करने आई थी, उन्होंने जाने के लिए कहा तो फिर बाद में आकर मुलाकात कर लेगी। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज़।